हेलो दोस्तों, आज है 13 सितंबर और दिन है बुधवार का। तो दोस्तों, शिव मंदिर के नीचे वाले बोर्ड स्टैंड में मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, तो ये है मॉल रोड में। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन चेहरे पे धूप पड़ रही है। तो धूप बादल सब कुछ इस तरह का मिला जुला वाला मौसम है आज सुबह के समय में। लेकिन कई दिनों से क्या हो रहा है कि सुबह के समय में मौसम एकदम साफ हो रहा है, एक भी बादल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नीला आसमान हो रहा है। लेकिन दोपहर आते आते जो है बादल आ जा रहे हैं। हालांकि बारिश नहीं पड़ी है, कल भी नहीं पड़ी थी, परसों भी शाम को थोड़ी बहुत पड़ी थी, तो बारिश तो है बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कल। और अब धीरे धीरे बारिश का मौसम जो है ख़त्म हो जाना चाहिए और ख़त्म हो भी जाएगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि नंदा देवी का मेला कब से है, तो आपको बता दो दोस्तों, नंदा देवी का मेला जो है 23 तारीख से 27 तारीख तक रहेगा। एक आध दिन आगे पीछे भी, एक आध दिन बढ़ भी सकता है 27 तारीख के बाद, लेकिन 23 तारीख से स्टार्ट होगा मेला और 27 तारीख तक रहेगा। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का एक सवाल और भी है कि अगर नैनीताल आ रहे हैं तो रोड्स वगैरह कैसे हैं। तो दोस्तों, रोड्स वगैरह एकदम बढ़िया है, रोड्स में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। पूरे सीज़न में जो है एक बार भी रोड नहीं टूटी है नैनीताल की, रोड एकदम बढ़िया है। और उसके अलावा एक बात ये भी पूछते हैं लोग कि कैची धाम के लिए कैसा रहेगा, तो कैची धाम का भी रास्ता एकदम खुला है, वो भी नहीं टूटा है सीज़न में, और एकदम बढ़िया सा कैची धाम का भी रास्ता रहा है। तो आप लोग निश्चिंत होकर आ सकते हैं नैनीताल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ सीज़न ये है दोस्तों, इस समय जो होटल के प्राइजेस हैं काफ़ी कम है, आपको 1000 रुपये में भी अच्छा रूम मिल जाएगा अभी। और बहुत सारे होटल्स के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में है। और नैनीताल के आसपास की घूमने वाली जगह भी जो है वो भी मेरे प्लेलिस्ट में है, तो उसमें आपको जाके देख सकते हैं। और नैनीताल के आसपास के ट्रैक्स हैं, टूर्स हैं, उनका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बैक कैमरे में चलते हैं और दिखाता हूँ किस तरह का नैनीताल आज हो रहा है। तो देखिए, ये शिव मंदिर के नीचे वाले बोर्ड स्टैंड में मैं हूँ। और देखिए, मौसम जो है थोड़ा चेंज है, टूरिस्ट की संख्या काफ़ी कम है। तलीताल की तरफ से देखिए, कोहरा इसी तरह से यहाँ पर बना हुआ है काफ़ी देर से। कुछ लोग जो है यहाँ पर पैडल बोर्ड में घूम रहे हैं। तो इस वाली बोट में अगर आपको घूमना है दोस्तों, तो ये 2 सीटर है और इसमें 2 सीटर में जाने के लिए 320 रुपये एक घंटे के देने होते हैं आपने। और अगर 4 लोग हैं, आप 4 सीटर में बैठते हैं, तो उसके लिए आपको 420 रुपये देने होते हैं एक घंटे के लिए। तो देखिए, ये वाली जो नाव है हमारी, तो इसमें बैठने के लिए 420 रुपये आपको आधे चक्कर पूरे चक्कर के देने होते हैं और 320 रुपये आधे चक्कर के देने होते हैं। तो सामने का आप नज़ारा देखेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन सुबह के समय में जब धूप सामने के पेड़ों में पड़ती है, वो आप देखेंगे तो वो बड़ा कमाल का होता है। और उसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पत्ते देखिए चेंज हो रहे हैं, सामने के पेड़ों के पत्ते के कलर चेंज हो रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा सा रहेगा। तो उसको ज़रूर देखना चाहिए आपने, अगर आते हैं नैनीताल सुबह के समय में जरूर देखें। तो चलिए, अब आपको मॉल रोड वाली तरफ मैं लेके चलता हूँ और वहाँ पर हम देखते हैं किस तरह का हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अपर मॉल रोड में आ गया हूँ, मैं था नीचे की तरफ लोअर मॉल रोड में। और यहाँ पर मैंने आपको कई बार दिखाया है, देखिए चिनार के ये पेड़ लगे हुए हैं बड़े ही खूबसूरत, और यहाँ पर देखिए ये चिनार के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और अभी इनके धीरे धीरे रंग बदलने का समय आ रहा है, बिल्कुल गोल्डन होके अब ये पत्ते गिरेंगे कुछ ही टाइम में। और ये जो पेड़ हैं दोस्तों, ये नैनीताल के नहीं है, अंग्रेज़ों के समय में इन्हें कश्मीर से लेकर आया गया था, और तब से ये पेड़ जो है नैनीताल की शोभा बढ़ा रहे हैं और पूरे मॉल रोड में देखिए छाव देते हैं, और बहुत खूबसूरत से भी लगते हैं ये। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर को बड़े ही पुराने हमारे नैनीताल के एक तो कलाकार भी हैं, और उसके अलावा जो है गाइड का भी काम करते हैं। तो भाई साहब जो हैं बहुत कुछ नैनीताल के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि अभी जो है ऑफ सीज़न चल रहा है, टूरिस्ट भी कम हो गए हैं, तो कब तक उम्मीद आप जता रहे हैं कि कब तक जो है सीज़न ठीक ठाक हो जाएगा? हाँ, तो सर जी, आपको मेरा नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अभी तो क्या कि सर, कुछ दिनों पहले काम चला था। हाँ हाँ, अच्छा। बट अभी जो है 2-4 दिन से जो है बिल्कुल समाप्ति की तरफ आ गया है। हाँ। अब तो ऐसा है कि मतलब थोड़ा बहुत ही चल रहा है। हाँ। ना के बराबर है बिल्कुल। तो चंकी भाई, जैसे आप तो नैनीताल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और जगह जगह टूरिस्ट को घुमाने भी ले जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा अगर अपना नंबर वगैरह आप दे देंगे तो लोग आपसे सीधे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर नैनीताल आके घूमना चाहें। तो मैं इधर पर जो है, मेरा गाड़ी का काम भी है, मोटरसाइकिल और बाइक से भी है। अच्छा। और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9456119000। तो आप जब भी आए तो आप बढ़िया तरीके से घूम सकते हैं मेरे। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा, जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो बाइक जो है टैक्सी बाइक है, इनका किराया अगर आप बता दें तो। जी, अभी बाइक का किराया क्या है कि सर जो है थोड़ा मेंटेनेंस खर्चा ये है वो है सब लगा के जो है हम 600 में देते हैं। उसमें हमारी थोड़ा बहुत दिहाड़ी भी निकल जाती है, हमारे वर्करों का भी निकल जाता है। क्या उसका कौन सी गाड़ी होगी? इसमें 600 700 में एवेंजर है। अच्छा। और 500
600 में भी हम स्कूटी देते हैं। स्कूटी मिल जाती होती है इंटॉक, अच्छा, जो पहाड़ों के लिए 125 सीसी होती है, वो पहाड़ों में अच्छी मतलब अच्छी तरीके से जो है कहीं भी चले जाती है। चलिए बढ़िया। और क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, अगर आपको स्कूटी या टैक्सी बाइक में चाहिए हो, टैक्सी के लिए चाहिए होगा जी? तो अभी हम तो जो है फिलहाल जो है कस्टमर का जो है आईडी कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस तो लेते हैं। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग बाइक स्कूटी कुछ नहीं। तो एक बार नंबर फिर से बता दीजिए और बड़ा अच्छा रहेगा ये। तो मैं जो मेरा नंबर है वो है 9456119000। तो आप कभी मुझे सेवा का मौका दिए, आपको मेरा धन्यवाद। तो मॉल रोड में देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ मैं आ गया हूँ। इस तरफ आप देख रहे हैं ओल्ड गवर्नर बोर्ड हाउस और उसके थोड़ा सा आगे की तरफ आप देखेंगे मैथोडिस्ट चर्च है दोस्तों। और ये जो चर्च है ये एशिया का सबसे पहला चर्च है, पहला मैथोडिस्ट चर्च है और इसकी स्थापना 1858 में हुई थी। तो दोस्तों मलिताल एक्सटेंशन वाली तरफ पहुंच गया हूँ। सामने की तरफ आप ये देख रहे हैं ये सब गेट वगैरह बन रहे हैं और ये जो है मेले की तैयारी चल रही है। आपको बता चुका हूँ कि 23 तारीख से मेला स्टार्ट होगा, 27 तारीख तक चलेगा। तो ये देखिए अभी जो समय है दोस्तों 1:30 हो रहा है और यहाँ पर जो है बहुत कम टूरिस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो झील में भी बोटें कम है, टूरिस्ट कम है नैनीताल में, ऐसा कह सकते हैं। और जो अगले हफ्ते से जब मेला स्टार्ट हो जाएगा 22-23 तारीख से जब भी मेला स्टार्ट होगा तो खूब यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, नैनीताल एकदम फुल सा हो जाएगा और लोकल और आसपास के जो हैं बहुत सारे लोग मेले को देखने के लिए आते हैं और पूरे साल भर इंतज़ार रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गांव से आते हैं, ख़रीदारी करके जाते हैं, अपने साल भर के सामान वगैरह की, कपड़े बर्तन वगैरह की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। तो कैपिटल सिनेमा सामने की तरफ दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि ये बड़ा ब्लॉक सा हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। इस तरफ देखें झील की तरफ, तो चलिए झील की तरफ आपको लेके चलता हूँ मैं। देखिए झील की तरफ भी आ गया तो यहाँ पर थोड़े बहुत टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की ड्रेसेस यहाँ पर होती हैं, देखिए फोटोग्राफर्स यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, इनसे तस्वीरें खिंचा सकते हैं और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं ये। तो ये लोग यहाँ पर तस्वीरें खींचेंगे और ये इस तरह के प्रिंट आपको बना के देंगे यहाँ पर, तो इनसे आप लोग तस्वीरें खिंचा सकते हैं। ये ड्रेसेस भी और ये सब चीज़ें एक साथ ही आपको बहुत कम दाम में यहाँ पर ये देते हैं। तो देखिए लोग बोटिंग करने के लिए आए हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने जो है लाइफ जैकेट पहनी है। तो लाइफ जैकेट पहनना दोस्तों कंपलसरी है बोटिंग आप करते हैं क्योंकि आपकी जान की सेफ्टी के लिए ही है ये, तो ज़रूर आप लाइफ जैकेट ज़रूर पहने। तो देखें झील में ज़्यादा नाव नहीं दिखाई दे रही है, दोपहर का वक्त है जबकि और इस समय जो है काफ़ी सारे टूरिस्ट होने चाहिए थे लेकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीकडेज़ में इसी तरह का हाल है और वीकेंड में जो है खूब भीड़ है। अगर इस समय आप लोग नैनीताल आते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा क्योंकि आपको जो है होटल बड़ी आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, कम दामों में होटल मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोग कहीं भी घूम सकते हैं, टैक्सी आसानी से मिल जाएगी आपको, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी तो आप लोग ईजिली घूम सकते हैं। तो अभी तो देखें बहुत सारी नाव हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, तो आराम से आप लोगों को बोटिंग का भी नंबर आ जाएगा, नहीं तो बोटिंग का नंबर भी नहीं आ पाता है तो बोटिंग का नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ और ये खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। देखिए ये जो है यहाँ पर भाई साहब जो है पेस्ट्री पैटीज वगैरह बेचते हैं और इनसे ज़रूर लेनी चाहिए, आपने 15 रुपये में पेस्ट्री भी मिल जाती है, पैटीज भी मिल जाती है। बड़ा पुराना ये नैनीताल का कल्चर रहा है तो ज़रूर आके आपने ये इसका टेस्ट लेना चाहिए। तो मैं आपको खेल का मैदान दिखाता हूँ जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट, अभी पता नहीं कैसे दिखाई दे रहे हैं, अमूमन होता नहीं है, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं खेल के मैदान में। सामने जामा मस्जिद दिखाई दे रही है, नगर पालिका की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ऊपर की पहाड़ियाँ जो है कोहरे से ढकी हुई है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसों से बारिश नहीं हुई है, कल भी बारिश नहीं हुई, परसों शाम को भी हल्की हुई थी, उससे पहले देखिए लगातार हो ही रही थी, आप वीडियो देख ही रहे थे। तो ये देखिए ये कैपिटल सिनेमा इस तरफ से दिखाई दे रहा है, फिल्म लगी है जवान, चाय सुट्टा बार और पहाड़ी स्टोर, बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरफ भी आपको गेट दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है दुकानें वगैरह लग जाएंगी पूरे फील्ड में और पार्किंग वाली जगह में, सब जगह पे दुकानें यहाँ पर लग जाती हैं और बड़ा धूमधाम रहती है उस समय मेले के समय में। तो पार्किंग उस समय यहाँ पर से हटा दी जाती है और पार्किंग जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ से मेट्रोपोल वाली साइड में पार्किंग कर दी जाती है, तो आपको वहाँ पर गाड़ी लगानी पड़ेगी उस समय जब 23 तारीख के बाद आप आएंगे। तो ये देखिए ये पार्किंग है अभी फिलहाल और 118 रुपये देने होते हैं यहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए और बाइक अगर लगानी है उसके लिए 25 रुपये देने होते हैं। देखिए ये है दोस्तों नैनीताल का गुरुद्वारा और इसके बिल्कुल बगल में है यहाँ पर भोटिया मार्केट, सामने भी आप एक टेंट लगा हुआ देख रहे हैं। तो ये जूते चप्पल के स्टॉल यहाँ पर लगते हैं, जूते चप्पल उतार के यहीं पर उतार के आप लोग मंदिर के अंदर जाते हैं जब मेले का समय होगा उस समय के लिए ये है। और देखें तो ये सामने वाली चाट पार्क है और बिल्कुल सामने वाली तिब्बती मार्केट है, इस तरफ जो है
भोटिया मार्केट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किससे मुलाकात होती है। तो दोस्तों आज भाभी मिल गई है यहाँ पर। कैसे हैं भाभी आप? तो सीजन तो अभी बिल्कुल सुनसानी में है। हाँ दो दिन तो अच्छा रहा, दो तीन दिन बढ़िया रहा। अभी थोड़ा सा बारिश ने थोड़ा सा खराब कर दिया। हाँ तो अभी जो है मेले के टाइम पे जो है नैनीताल में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, क्या कुछ रहता है थोड़ा बताएं आप। मेले के टाइम में तो भयंकर रश रहता है क्योंकि आसपास के जो भी गांव वाले, तो श्रद्धा होती है माता रानी पे, तो सभी लोग आते हैं, दर्शन के पर्पज से भी आते हैं, फिर मेला घूमने के पर्पज से भी आते हैं, तो काफी ज्यादा रश रहता है। अच्छा जो टूरिस्ट जो नैनीताल उस समय आना चाहते हैं, मेला किस तरह से क्या एंजॉय कर सकते हैं, क्या खास हो सकता है वहाँ पर? मेले में घूमने के लिए तरह तरह की दुकानें लगी होती है, काफी कुछ रहता है मेले में। जैसे माता रानी का जो भक्त लोग है वो तो दर्शन के पर्पज से भी आते हैं, फिर घूमने के लिए काफी कुछ रहता है, कपड़े वपड़े भी रहते हैं काफी कुछ। खासतौर पर गाँव वाले जो है गांव वाले बहुत एंजॉय करते हैं मतलब मेले को। हाँ। तो जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी आके एंजॉय कर सकते हैं, काफी कुछ रहता है उसमें। चाय पकौड़ी मिलती है, पकौड़ी मस्त, जलेबी जलेबी झूले वगैरह जो झूले मेन वो होता है कि झूले वूले, मौत का कुआं, ये सब चीजें थोड़ी अच्छी लगती है। हम लोग भी तो घूमे थे लास्ट ईयर। सही बात है। तो चलिए थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों ये है यहाँ की तिब्बती मार्केट, सामने की तरफ देख रहे हैं। इस तरफ भी छातों की बड़ी अच्छी दुकान है, यहाँ से छाता वगैरह आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर परफ्यूम की भी एक बड़ी अच्छी दुकान इसी गली में बिल्कुल जाते ही हैं, बड़े अच्छे परफ्यूम वहाँ पर मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है तिब्बती महिलाएँ दिख रही है अपने कॉस्ट्यूम्स में। और चले आपको दिखाता हूँ मैं इस तरफ नैना देवी मंदिर। तो देखिए मंदिर के अंदर आ गए। आज जो है कल के मुकाबले ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये है मुख्य मंदिर। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों वीडियो के एंडिंग में हम आ गए हैं बहू भाई के साथ। हल्की हल्की बारिश की बूंद मैं कह सकता हूँ, हल्की हल्की सी लग रही है यहाँ पर, बहुत मामूली सी, छीटे से आ रहे हैं। और बाकी तो वैसे मौसम ठीक है, दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई है बहू भाई, तो बढ़िया सा यहाँ पर हो रहा है। तो किसी भी कहना चाहेंगे आप? किसी भी टाइम भी हो सकती है, अभी लग रहा है थोड़ा सा बारिश का समय है, हल्का ही होगा, बहुत तेजी नहीं है। अभी बाकी कोहरा लगा हुआ, बाकी सब कुछ अच्छा है, मेले की तैयारी हो रही है। 20 तारीख से मेला स्टार्ट है। तो मेले में क्या एंजॉय करेंगे आप? ये मेले में खूब सारा आप देखते हैं ब्लॉग के माध्यम से, हमारे अच्छा ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ब्लॉग में पता चलेगा आपके वो भाई का, ऐसे नहीं बताएंगे क्या चलेगा है। अच्छा चलिए तो बढ़िया है। तो दोस्तों हर बार वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, पहले बोलते हैं कूड़े को कूड़ेदान में डालें, जहां तक आपको डस्टबिन ना मिले अपना कूड़ा आपके पास। तो ठीक है दोस्तों, जब भी जहां पर आपको डस्टबिन मिलता है वहीं कूड़े को अपने डालें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। तो चलिए वीडियो को एंड कर रहे हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।